फोन उठाओ। हेलो 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 दया। हाँ कौन बोल रहा है? दया मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हेलो दया। कार्तिक? अरे कार्तिक कितने सालों बाद। दया दया मेरी बात सुनो। हेलो दया। क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? वहाँ डामरपुर फॉरेस्ट रिजर्व में सब ठीक है ना? दया मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ कार्तिक बोलो। हेलो 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 दया। हेलो कार्तिक मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो सर सब ठीक है? पता नहीं, मेरे दोस्त कार्तिक का फोन था। डामरपुर फॉरेस्ट रिजर्व में वो ऑफिसर है, काफी घबराया हुआ लग रहा था, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा, शायद नेटवर्क का इशू है। बस उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो उसके साथ। No. सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक के साथ जरूर कुछ हुआ है। एक बार उससे फोन पे बात कर लो तो मन शांत हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना कि डामरपुर फॉरेस्ट में नेटवर्क अच्छा ना, उसकी वजह से कार्तिक बात कर रहा था तो तुम्हें लगा वो घबराया हुआ है, है? सर सर ये रहे डामरपुर फॉरेस्ट के इमरजेंसी लैंडलाइन नंबर, शायद इनमें से कुछ लग जाए। हेलो कार्तिक कुमार से बात कर सकता हूँ मैं? अगर आप उनके अंतिम संस्कार के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आज ही किया जाएगा, उनके कोई फैमिली मेंबर नहीं है इसलिए सब कुछ हमने अरेंज किया है। क्या अंतिम संस्कार? क्या अंतिम संस्कार? हेलो मैं सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर कार्तिक कुमार की बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हाँ मैं उन्हीं के अंतिम संस्कार के बारे में बात कर रहा हूँ सर, आज ही सुबह एक आदमखोर चीते के अटैक में उनकी मौत हो गई है। हेलो हेलो आप सुन रहे हैं? हेलो सर दया किसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हो? कार्तिक के? सर कार्तिक वो एक आदम को चीते ने उस पर हमला किया, मर गया सर। माय गॉड सर मुझे अभी डामरपुर जाना होगा। ठीक है पंकज तुम जाओ दया के साथ। दया सर हाँ ये कार्तिक क्या आपका बहुत पुराना दोस्त था? हाँ मैं 14 साल का था जब मैं उससे मिला था, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उस वक्त वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था, बहुत ही साफ दिल का लड़का, जानवरों से प्यार करने वाला, जानवरों की परवाह करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, हमेशा नेचर और जानवरों की भलाई की बात किया करता था, एक बहुत ही नेक दिल इंसान। कार्तिक बोलते सही हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सब बताता हूँ दया तू चल।
कार्तिक तुमने कैंटीन से बिस्किट और खाना इसके लिए चुराया था? हाँ, हमारे पास तो कैंटीन है और रात को खाना भी मिल जाएगा, लेकिन इनके पास तो ना ही कैंटीन है ना ही कोई कुक। ये तो बेसहारे और बेजुबान है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि जानवरों से इतना प्यार करने वाला इंसान जानवरों के हाथों मारा गया। आइए सर। सर, ऑफिसर कार्तिक की मौत हादसे के वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दुख है। सर, हमें अच्छा लगा आप यहाँ आए। कार्तिक के पास वैसे भी कोई फैमिली नहीं थी जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो पाते। ये पूरी तरह चीते का किया हुआ हमला है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आखिर आप भी CID ऑफिसर हैं। मैं यहाँ एक CID ऑफिसर की हैसियत से नहीं, कार्तिक का दोस्त बन के आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे हमारे दामलपुर फॉरेस्ट में हादसों की एक लहर सी चल पड़ी है। अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारे एक और ऑफिसर भूषण भी एक हादसे का शिकार हो गए हैं। क्या आए दिन ये चीता यहाँ पे इंसानों पे अटैक करते हैं? सर, आए दिन तो नहीं, लेकिन उस आदमखोर चीते का खौफ जरूर फैल चुका है। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि भूषण की मौत इस आदमखोर चीते की वजह से हुई है। मतलब ये सर कि भूषण के बॉडी में एक अजीब तरह का इन्फेक्शन फैल चुका था जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन सर, अभी तक हमें इन्फेक्शन और मौत की असली वजह पता नहीं चल पाई। क्या मैं भूषण की बॉडी देख सकता हूँ? श्योर सर, आइए। सर, ये है फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण की डेड बॉडी। भूषण के बॉडी पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी, हमने बहुत कोशिश की बचाने की। बेहोशी की हालत में पता नहीं अजीबोगरीब बातें बोले जा रहे थे। हाथी आया, चीता भी आया, मेरे को मार डालेंगे सर, बहुत दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि ऑफिसर भूषण किसी जहरीले और या भयंकर एलर्जी चीजों के कॉन्टेक्ट में आ गया था जिसका असर सीधा इनके दिमाग पर हुआ। कुछ देर पहले बेचैनी और दर्द से इनकी मौत हो गई। मेरे दोस्त कार्तिक की मौत हुई है चीता के हमले से, और इस भूषण की मौत और भी पत्थर तरीके से। इसका मतलब है जंगल में कोई ऐसी जहरीली चीज है जिसके वजह से इसकी मौत हुई है। और आप लोग फॉरेस्ट ऑफिसर होने के बावजूद आप लोगों को पता नहीं चला कि जहरीली चीज क्या है? ये सब पिछले 2 हफ्तों के बीच में हुआ है और इससे पहले ऐसे कुछ हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि इन दोनों मौतों में कोई ना कोई कनेक्शन है। हम लोग वो जगह देखना चाहते हैं जहां पे कार्तिक की लाश मिली थी आप लोगों को। हम लोग मानते हैं कि उसकी मौत चीता के हमले से हुई है। हम लोग बस ऐसे एक बार वो जगह देखना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नो सर, बस जगह थोड़ी खतरनाक है इसलिए। चलिए सर।
आइए सर। अगर जानवर अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता तो उसी जगह उसका इंतजार करता है या फिर चला जाता है, मगर दरवाजा तोड़ के ये बहुत अजीब है सर। ये दरवाजा चीता ने तोड़ा है? हाँ सर, पॉसिबल है। अगर एक शेर या चीता जैसा ताकतवर जानवर भूखा हो तो वो आसानी के साथ दरवाजा तोड़कर अपने शिकार पर अटैक कर सकता है, और एक चीता ने ऐसा किया है। उसने कार्तिक को मारा और उसके बाद घसीट कर उसे शेड से बाहर ले गया जहाँ पर हमें उसकी बॉडी मिली। सर एक्चुअली ऐसे हादसे पहले भी रिपोर्ट किए गए हैं कि जानवर दरवाजा या खिड़की तोड़ सकते हैं अगर वो भूखे हो या काफी गुस्से में हो तो। सर क्या आपको अभी भी कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कार्तिक के बॉडी का पोस्टमार्टम तो किया गया ना, और भूषण का ब्लड एनालिसिस भी? हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि हमें ये रिपोर्ट्स हमारे रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए। हम मानते हैं कि ये चीता नहीं किया है। हाँ, व्हाई नॉट। मैंने कार्तिक के बॉडी को एग्जामिन करके पोस्टमार्टम किया है। वैसे कार्तिक के बॉडी में जानवर के बोन्स और दांतों के निशान मिले हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार रखी है। ओह गुड। पंकज सर, डॉक्टर अभय से तुम ये रिपोर्ट्स और बाकी के सैंपल्स लेके मुंबई चले जाओ, और तुमको पता है ना उसका क्या करना है? मैं यहीं पे रुकता हूँ। My favorite song! Oh yeah! क्या हो गया भाई? जा 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 जा, बहुत जल्दी तुझे। अरे क्यों हॉर्न मार रहा है? ठहरा नहीं हूं मैं, जा। अरे पागल है क्या? अरे हो सकता है कि कार्तिक की मौत चीते के अटैक की वजह से हुई हो, लेकिन
ऑफिसर भूषण की मौत के बारे में जानकर हैरानी होती। तो आपको पता चल गया कि वो एलर्जिक रिएक्शन कैसे और किस चीज से हुआ है? हाँ, ये देखो बॉस, इसकी वजह से हुई। इस पौधे से? हाँ, इस पौधे को डेंड्रोस्नाइड मोराइडिस कहते हैं। इसे डिम्पी डिम्पी ट्री भी कहा जाता है। ये बहुत जहरीला पौधा होता है बॉस। इसके फिजिकल कांटेक्ट में आते ही किसी की भी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। इसका जहर बहुत तेजी से असर करता है, शरीर पर भी और दिमाग पर भी, फिर चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई जानवर हो। इसके जहर की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। तो बॉस, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऑफिसर भूषण की ऐसी हालत हो गई। उसकी जगह कोई भी होता, कोई भी, उसकी यही हालत होती। हाँ, पर ये भी तो हो सकता है कि एक हादसा हो। यार, ऐसे पौधे तो जंगलों में मिलते ही हैं। बिल्कुल नहीं सर, ये हादसा नहीं, ये जरूर एक साजिश है। क्योंकि ये डिम्पी डिम्पी पौधा, ये तो इंडिया में उगता ही नहीं है। ये सिर्फ इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जंगलों में ही पाया जाता है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर किसी खास मकसद के लिए ये डिम्पी डिम्पी पौधा डामरपुर के जंगलों में लाया। अच्छा, तो इसीलिए पंकज पे हमला हुआ है। कोई है जो नहीं चाहता था कि ऑफिसर भूषण का ब्लड सैंपल हम तक पहुंचे और हम उसकी मौत का सही कारण पता लगा सके। अभिजीत, एक काम करो, तुम और पंकज फौरन दया के पास चले जाओ, क्योंकि हो ना हो कोई ना कोई बहुत बड़ा राज छुपा है इस डामरपुर के जंगल में। इसका मतलब है सर, भूषण की मौत एक साजिश है, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मेरे दोस्त कार्तिक को भी किसी ने जानबूझकर मारा हो। सर सर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखूंगा। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ सर। ओके। मेरा शक यकीन में बदल रहा है, इस जंगल में कोई आदमखोर तो है, पर अगर वो चीता नहीं है तो फिर कौन है? अरे सुनिए, ये ऑफिसर भूषण, उनका कमरा कौन सा है? वो सामने वाला सर। ये जी। थैंक यू। सर, सबसे पहले जहर का असर भूषण के पैरों पर हुआ, फिर वो जहर पूरी बॉडी में फैल गया। ये है वो जहरीले पौधे डिम्पी डिम्पी के पत्ते, जिसकी वजह से भूषण के शरीर में वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ और फिर उसकी मौत। अपूर्वी सर, उस आदमखोर चीता को ढूंढने का एक तरीका मिल गया। रिसर्च से पता चला है कि फॉरेस्ट ऑफिसर जंगलों में जानवरों का बिहेवियर और उन्हें ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो कॉलर? सर, बेसिकली ये रेडियो कॉलर्स एक ट्रैकिंग डिवाइस है, जिनकी मदद से हम यहाँ बैठे बैठे इस स्क्रीन पे जंगलों में जानवरों के लोकेशंस और मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। और ये कलर डॉट्स क्या है? ये कलर डॉट्स अलग अलग जानवरों की पहचान है। फॉर एग्जांपल, ग्रीन डॉट्स हाथियों के लिए, ब्लू डॉट्स चीता के लिए एंड रेड टाइगर्स के लिए। तो इस रेडियो कॉलर डिवाइस के जरिए उस आदमखोर चीते के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? सर, सच तो ये है कि पिछले 3 महीने से ये कॉलर एनिमल्स जंगलों से अजीब तरीके से गायब होते जा रहे हैं, और अभी हमें सिर्फ उनके रेडियो कॉलर्स जंगलों में मिल रहे हैं। अब क्योंकि ये रेडियो कॉलर्स इन जानवरों से अलग हो चुके हैं, हम उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पा रहे। अब हो सकता है कि वो आदमखोर चीता उन्हीं में से एक हो। और सर, इसी अजीब मामले को एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ऑफिसर भूषण और ऑफिसर कार्तिक। जंगलों से जानवर गायब हो रहे हैं और वहाँ पे ये कॉलर डिवाइस मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है जंगलों में जानवरों की तस्करी चल रही है। अब ये बात या तो आप लोगों को मालूम है और जानकर अनजान बन रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर कार्तिक और भूषण की मौत कोई इत्तेफाक नहीं है, हत्या है, हत्या। अरे अब ठीक तो है ना? नहीं सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सर मैंने सच का पता कर लिया है। सर यहाँ इस जंगल में ये जानवर की तस्करी करने वाले काफी एक्टिव है सर, और मुझे लगता है कि भूषण और कार्तिक इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और शायद उसी लिए मारे गए। अच्छा, भूषण की मौत का सामान सर इंडोनेशिया से आया है और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन तस्करियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है सर, तो हो सकता है तस्करियों की फंडिंग इन्हीं देशों से होता हो। तो मैं इस केस के तय तक जाना चाहता हूँ सर। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जल्दबाजी में कोई भी कदम खतरा बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं, होशियारी से काम लेना। और अभिजीत और पंकज तुम्हारे पास आ रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है सर, आप फिक्र ना करें। थैंक यू। या घर का भेदी लंका ढाए, पता करना होगा इस जंगल का भेदी कौन है। डिम्पी डिम्पी पौधे के जहर का एंटीडोट है तेरे पास? है तो नहीं बॉस, लेकिन बनाया जा सकता है। तो फिर बना फाड़ूंगी, जल्दी बना, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। हेलो नेशनल बायो सेंटर, आप मेरी टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी से बात करवा सकते हैं? सर ये रही सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की रूम की चाबियां। सर लेकिन अभी तो हमारे सारे ऑफिसर्स डिनर के लिए मेस में गए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरों की तलाशी लेना सही नहीं रहेगा। सर कहीं आप हम फॉरेस्ट ऑफिसर पर शक तो नहीं कर रहे हैं? सच कहूं तो हाँ। फिलहाल आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं सबके कमरों की तलाशी लेके आता हूँ। इंडोनेशिया। ये लो। थैंक यू सर। सर आप क्या हम ऑफिसर्स को क्लीन चिट मिल सकती है? आपका शक दूर हुआ कि नहीं हमसे? सर मैं जरा रेस्टरूम में जाता हूँ, टायर्ड हूँ, जरा आराम करता हूँ। वैसे ये ऑफिसर्स कितने बजे तक सो जाते हैं? सर यही कोई 10:30-11 बजे। 10:30-11 बजे। गुड नाइट।
अचानक गायब कहाँ हो गया? ए, सोचना भी मत। दे, तुम ठीक हो? मिस्टर, तुम मुझे मार ही दिया था। I'm sorry sir, मैंने आपको पहचाना नहीं। देखिए, मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने आप पर हमला कर दिया। I'm very sorry sir। अभिजीत, मुझे तो लगता है यही वो आदमी है जो शिकारियों को जानवरों की इंफॉर्मेशन देता है। और तो और, ऑफिसर कार्तिक और भूषण की मौत के पीछे इसी का हाथ है। क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ही अपने लोगों को क्यों मारूंगा? और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे संबंध है उन शिकारियों के साथ? तो इतनी रात को जंगल में चोरी छुपे कहाँ जा रहे थे? किस बात का डर था? तो कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? नहीं सर, मुझे ट्रैकिंग सेंटर से कॉल आ गया कि एक राइनोसोरस, एक गेंडा 5 घंटे से एक ही जगह लोकेशन में खड़ा है। ये अजीब बात है सर, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर 5 घंटे तक एक ही जगह चुपचाप खड़ा रह नहीं सकता, अगर वो जिंदा है तो उसी लोकेशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए मैं निकल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, तो मुझे लगा हो ना हो वो शिकारी हो, तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में आप पर हमला कर दिया। अच्छा, ठीक है। और इसके बारे में क्या कहना है? ये बियर कैन, इंडोनेशियन बियर कैन, उसी देश का जहां से वो जहरीला पौधा डिम्पी डिम्पी लाया गया था, जिसकी वजह से ऑफिसर भूषण की मौत हुई। बियर कैन? देखिए सर, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एक मिनट, क्या आप लोग मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये बियर कैन हमें तुम्हारे कमरे में डस्टबिन में मिला, समझे? व्हाट? आपने मेरे रूम की तलाशी ली, वो भी मेरे गैर मौजूदगी में? हेलो, चुपचाप से हमारे सवाल का जवाब दो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। देखिए सर, प्लीज, मैंने पिछले 3 महीने से शराब को हाथ तक नहीं लगाया और आप लोग? अच्छा, तो ये बियर तुम्हारे कमरे में कौन पी रहा था? कोई बाहर का आदमी? यस सर, देखिए क्या है ना, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, ओके? तो हो सकता है कि उसकी ये कैन हो, लेकिन सर इससे कुछ भी साबित नहीं होता ना सर। कौन है तुम्हारा भाई और इस वक्त कहाँ है वो? ये लोग यहाँ? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी तुम्हारी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप लोगों की? कर सकते हो, एक मिनट, ये इस पाउच में से जरा इन पत्तों को बाहर निकालो। निकालो? नहीं, ये आप निकालिए ना, मैं क्यों निकालूं? निकाल सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम निकालो इसे। नहीं नहीं, अरे निकालो, ये हाथ डालो और इन पत्तों को। अरे भैया, मैं क्यों निकालूंगा ये पाउच? अरे आप देखो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो मुझे जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ के अंदर लाना पड़ेगा, है ना? अबे निकाल। अरे नहीं नहीं, अरे प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मेरा हाथ छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज प्लीज प्लीज। घबराओ, ये वो पत्ते नहीं जो तुम समझ रहे हो। हमें सब पता है डिम्पी डिम्पी के पत्तों के बारे में भी, और जंगल में चल रही तस्करी के बारे में भी। तुम ये बताओ, तुम इसमें कैसे जुड़े हुए हो? अब जल्दी बताओ, नहीं तो असली वाले पत्ते ले आऊंगा। नहीं 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 सर, अरे सर प्लीज सर, पत्ते मत लेंगे सर, मैं बताता हूँ ना सर। सर एक्चुअली मैं वो कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गया था। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा फ्यूचर का? यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-3 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ, अपने भाई के पास जाता हूँ, ही इज़ अ फॉरेस्ट ऑफिसर, फिर मैं वहीं जाके कुछ डिसाइड करूँगा कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है।
फिर तुझे ये तो मालूम होगा कि तू कितने पैसे कमा सकता है वहाँ से जहाँ तेरा भाई फॉरेस्ट ऑफिसर है। मतलब मेरे पास एक अच्छा ऑफर है अगर तू इंटरेस्टेड हो तो। ऑफर? कैसा ऑफर? जानवर मरने के बाद उनकी कीमत और भी बढ़ जाती है, उनका पंजा, उनकी खाल, उनके दांत, तू समझ तो रहा है ना? बाघ, हिरन, हाथी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? देख, तुझे बस हमें इंफॉर्मेशन देनी है और पैसे कमाने हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। इट्स अ गुड डील, गो फॉर इट। मेरे दोस्तों की बातों में आके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उनकी बातों में आने ही नहीं चाहिए था। जवाहर भैया की वजह से मुझे सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स जानते थे और इसी बात का फायदा उठा के मैं आसानी से कंट्रोल रूम में घुस जाता था और वहां लगे स्क्रीन के स्नैपशॉट्स में चोरी छुपे निकालता था और वही स्नैपशॉट्स में उन तस्करों को फॉरवर्ड करता था सर। और उसी स्नैपशॉट की वजह से तस्कर सारे जानवरों के लोकेशंस को ट्रैक करते थे जंगल में। विकी, भाया, भाया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। शर्मानी चाहिए तुम्हें, इतनी छोटी सी उम्र में इतना गंदा काम करते हो तुम। चंद पैसों के लिए बेचारे बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ा दी तुमने। कुछ पैसों के लिए तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण को इतनी दर्दनाक मार दी। नहीं सर, सर मैंने जानबूझ के भूषण भैया को नहीं मारा सर। एक्चुअली भूषण भैया और कार्तिक भैया को इस तस्कर के बारे में मालूम पड़ गया था और उन तस्करों ने ही मुझे वो डिम्पी डिम्पी पौधों के पत्ते भूषण भैया के जूतों में डालने के लिए कहे सर। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था सर कि ये डिम्पी डिम्पी पौधों के पत्ते इतने खतरनाक है सर। सर मुझे तब नहीं मालूम था कि भूषण भैया की इतनी दर्दनाक मौत होगी। उन्होंने तो मुझे बोला था कि उनको बस मामूली सा दर्द होगा सर। अच्छा, उन तस्करों से तुम मिले हो आमने सामने? जी सर, जंगल में एक खास जगह पे हम लोग मिलते हैं सर और वहीं पे हम सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। इन्फॉर्मेशन के बदले सर वो लोग मुझे ढेर सारा पैसा और विदेशी बियर भी देते हैं सर। हाँ, हमने देखी तुम्हारी विलायती बियर। अच्छा, अब उन तस्करों से दोबारा कब मिलने वाले हो तुम? कल सवेरे सर। कल तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं सर। इस बात तुम पर विश्वास कर सकते ना? जी सर। सर, कार्तिक की मौत हादसे के वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दुख है। समर, तुम मुझे तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था। समर ने हमारी बहुत मदद की जानवरों की चोरी करने में और उनका शिकार करने में। क्या बात है विक्की, बहुत बढ़िया, थैंक्स। बिल्कुल सही जगह पर लाया इसे। बहुत देर कर दी ऑफिसर पहचानने में और दिमाग लगाने में। क्या? क्या हुआ? बिल्कुल ठीक नहीं है वो, बिल्कुल ठीक नहीं है। जिन जहरीले पत्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण की जान ली थी, अब वही जहरीले पत्ते इसकी भी जान लेंगे। ये तो लग रहा कि सीआईडी ऑफिसर्स बड़े चालाक होते,
लेकिन तुम तो बड़े बेवकूफ निकले यार। शौहर क्या कर रहे हो जवाहर तुम? सॉरी ऑफिसर, विकी मेरा छोटा भाई है और मैं अपने फर्ज से भी ज्यादा उसे प्यार करता हूं, तो तुम लोगों का साथ कैसे दे सकता हूं मैं? बिना ये क्या हो रहा है? ये स्टोरी का क्लाइमैक्स हो रहा है। बिना ये तुम क्या कर रहे हो? अरे हमने तुम्हें सीआईडी के बारे में सब कुछ बताया था ना, और तुम हमें ही मानना चाहते हो? मैं जेल में पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने हमें ही धोखा दिया। विकी 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 विकी, धोखे का दूसरा नाम ही तो बिल्ला है। और वैसे भी अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। अरे जवाहर, ये तो पहले ही अपने फर्ज से गद्दारी कर चुका है, और ये सीआईडी ऑफिसर्स, ये तो गद्दारों और गुनेगारों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए आज हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे, मौत का खेल। मौत का खेल। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर कर देता हूं। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे दोस्त कार्तिक को किसने मारा? उसे एक आदमखोर चीता ने मारा। और जानते हो वो आदमखोर चीता था कौन? मैं था। मैं अब जानते हो कल सुबह की हेडलाइन क्या होगी? सीआईडी ऑफिसर अभिजीत इन जंगलों में कहीं खो गए, और सीआईडी ऑफिसर दया एक आदमखोर चीते के हमले से मारे गए। रुक जा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो बिल्ला। रुक जाओ। कितने टाइम से शिकार कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए जानवर जब घायल हो जाता है तो और भी खतरनाक हो जाता है। बहुत लोगों पे तुमने ये टिम्पी टिम्पी पौधा इस्तेमाल किया है ना, हाँ? अब तू भी इसका स्वाद चखले। चखले कैसा लग रहा है? ये देखो, अपने बिछाए हुए जाल में गिर के मारा गया। तो फिक्र मत करो, डॉक्टर सालूके ने इन जहरीले पत्तों का एंटीडोट पहले ही ढूंढ लिया है। मुझे दुख इस बात का है कि काश कार्तिक ने मुझे पहले फोन किया होता यार।